हेलो फ्रेंड्स, डिनर रसोई में आपका स्वागत है। बेसन के पकवान तो आप लोग ने बहुत खाए होंगे। आज हम होली स्पेशल बेसन और सूजी की पापड़ी बनाने जा रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं रीना रसोई में बेसन की पापड़ी बनाने। बेसन की पापड़ी बनाने की सामग्री: एक कटोरी बेसन, 4 चम्मच सरसों का तेल, 4 चम्मच सूजी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच पिसा मिर्चा, पिसा मिर्चा आप अपने टेस्ट के अनुसार से लीजिए, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। पापड़ी का हम डो बनाकर तैयार करते हैं। एक बर्तन में हम बेसन लेते हैं, इसमें सूजी डालिए, इसमें अजवाइन डालिए, पिसा मिर्चा, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कड़ा आटा गूंथते हैं। हमारा बेसन का डो बनकर तैयार हो गया है। ये बेसन का डो इतना टाइट होना चाहिए। अब इस पर ऊपर हल्का सा तेल लगाकर 15 मिनट के लिए इसको हम ढक कर रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम बेसन का इस तरह से लंबा लंबा रोल बनाते हैं। इसको 1 इंच की लोई काट लेंगे। ये बहुत बड़ी नहीं बनती है, ये छोटी छोटी पूरी बनती है। इस तरह से सारी लोइयां हम दबा कर तैयार कर लेंगे। सारी लोई बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम पहले बेल कर सब रख लेते हैं, फिर फ्राई करेंगे। इनको बहुत बड़ी बड़ी नहीं बेलना है, छोटी छोटी पापड़ी बेलनी है। हमारी सारी पापड़ियाँ बेल कर तैयार हो गई हैं। अब इनको हम फॉर्क की सहायता से ऐसे ऐसे 4-5 जगह कर देंगे, जिससे ये फूले नहीं, और किनारे पर ऐसे ऐसे करके हल्की सी डिजाइन बना देंगे। सारी पपड़ियां हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम आंच को मध्यम कर देंगे। अब इसमें पापड़ी डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। बेसन और सूजी की पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। इनको चाय के साथ या इनकी चाट बनाकर खाइए। सेम आलू के अचार के साथ ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट लिखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर करिए, जिससे आपको नई नई रेसिपी मिलती रहेगी। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।